तो हेलो दोस्तों, मैं सुब्रतो स्टार्किंग मोबाइल यूट्यूब चैनल से फिर से और एक नया वीडियो में। आज का वीडियो रहने वाला है हमारा सेकेंड हैंड मोबाइल के ऊपर। एक्चुअली दोस्तों देखिए, बहुत सारे भाई का वीडियो हमने देखा था जो दिवाली के पहले पहले का वीडियो था। सेकेंड हैंड मोबाइल एक्चुअल में आता है कहाँ से? फ्लिपकार्ट से, या फिर आप मान लीजिए किसी कस्टमर से आप सेकेंड हैंड मोबाइल परचेस किया है। तो एक्चुअली क्वांटिटी की बात करें तो आती है फ्लिपकार्ट से, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आती है। तो फ्लिपकार्ट देखिए, जब हम लोगों का दुर्गा पूजा हो गया या फिर दिवाली हो गया, दिवाली के टाइम बहुत सारा सेट जो है ज़्यादा एक्सचेंज होता है। तो उसमें क्या होता है, सेट अच्छी अच्छी सेट जो है एक्सचेंज होती है और नए सेट कस्टमर परचेस करता है। तो उसके बाद दिवाली के बाद जो है सेट का प्राइस थोड़ा सा डाउन जाता है और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और एक बात है कि सेट का स्टॉक भी भरपूर उस टाइम होता है, सेकेंड हैंड मोबाइल की बात करें तो फ्लिपकार्ट की या फिर अमेजोन की। और हम लोगों का वीडियो इसलिए नहीं आया है पूजा के पहले, दिवाली के पहले, दिवाली के बाद आ रहा है और ऑफ़र के साथ आ रहा है, बहुत ज़्यादा ऑफ़र होगा। सबसे पहली बात तो अगर प्राइस की बात करें तो मान लीजिए 20-30% डाउन हो चुका है, प्राइस घट चुकी है। और उसके बाद देखिए, हम लोगों का जो हम लोग सेकेंड हैंड मोबाइल आप लोगों के बेचते हैं, मान लीजिए मेरे से जितने भी भाई सेकेंड हैंड फ़ोन ख़रीदा है सबका सब चल रहा है, किसी में भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए थोड़ा हम लोग रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो फ्लिपकार्ट का मोबाइल है, आप लोगों समझने के लिए ये वीडियो मैं आया हूँ लाइव। तो सबसे पहले जो फ्लिपकार्ट का मोबाइल आता है उसमें क्या है कि हर एक मोबाइल अच्छा नहीं होता है, कुछ 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 प्रॉब्लम कुछ कुछ सेटों में होता है। मान लीजिए कॉपी डिस्प्ले या फिर मदरबोर्ड का इशू, नेटवर्क का प्रॉब्लम भी आता है, कभी कभी चार्जिंग पिन, बैटरी, बहुत सारा इशू होता है। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो फ्लिपकार्ट का मोबाइल होता है, ठीक है ना। लेकिन अच्छी अच्छी कंडीशन का भी सेट आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी सेट आते हैं डायरेक्ट हम लोग बेच नहीं देते, हम उसको पहले उसको हर एक चीज़ को चेक करते हैं, उसका माइक, उसका स्पीकर, उसका सेंसर, उसका डिस्प्ले, उसका चार्जिंग, एवरीथिंग हम सब कुछ चेक करने के बाद सेट को आप लोगों को बेचते हैं, ठीक है ना। और उसके साथ क्या होता है, हम लोग जो मोबाइल सील मोबाइल होता है जिसके अंदर कुछ भी रिपेयरिंग नहीं है, हम उस मोबाइल में वारंटी रखते हैं। वारंटी भी कितने दिन का, 6 मंथ का वारंटी रहता है, ठीक है ना। तो जो लोग हम लोगों से फ़ोन परचेस किया है उसको पता है कि हम लोग का कंडीशन क्या रहती है सेट के अंदर। प्राइस तो लो रहती है, उसके साथ कभी कभी ऑफ़र भी रहती है सेट के ऊपर, हम लोग थोड़ा बहुत गिफ्ट करते हैं। तो अभी जितने भी स्टॉक आ चुकी है, फुल स्टॉक आ चुकी है सेट, उसमें हम लोगों का वारंटी रहेगा, चार्जर रहेगा, ग्लास रहेगा, बिल रहेगा। दोस्तों बिल के बगैर हम लोग सेकेंड हैंड फ़ोन बेचते नहीं हैं। चुराई का फ़ोन है, कहीं गुम हो जाना वाला फ़ोन होगा तो उसमें क्या होगा, IMEI नंबर जो है अपना, IMEI नंबर थाना में जो GD हो जाते हैं ना, तो IMEI नंबर के थ्रू फ़ोन आपको दे देना पड़ता है। लेकिन हम लोगों के पास क्या है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा क्योंकि हम लोगों का शॉप के नाम से बिल रहेगा, बिल आपको IMEI नंबर बिल में रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे कोई बात नहीं रहेगा, हम लोगों का फुल्ली लीगल जो है वो बिल रहेगा। उसके बाद में चलिए वारंटी की बात, 6 मंथ की हम लोगों का हर एक सेट में वारंटी रहता है। चार्जर हम लोग सेट के ऊपर जितने, अगर मान लीजिए फास्ट चार्जिंग वाला सेट है तो हम लोग उसमें फास्ट चार्जिंग आपको चार्जर प्रोवाइड करेंगे, टेम्पर्ड आपको हाई क्वालिटी का टेम्पर्ड यूज करेंगे उसमें, और आप लोगों को 6 मंथ का वारंटी, चार्जर, बिल, बॉक्स, जितने सारे चीज़ आपको मोबाइल चलाने के लिए ज़रूरत पड़ेगा सारा कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम लोग के पास इतना सेल क्यों होता है क्योंकि हम लोग देखिए, हम तो सबसे पहले मोबाइल रिपेयरिंग करते थे पहले, और अभी भी हमने दो चार बंदे लोग बैठा रखा है सॉफ्टवेयर जो इस मोबाइल को फुल्ली चेक करते हैं, फुल्ली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा सेट के अंदर। हम लोग A to Z चेक करते हैं फ़ोन के अंदर, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग सेट को सील नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं उस सेट को कटिंग करके बेच देते हैं। मान लीजिए किसी के अंदर नेटवर्क के प्रॉब्लम है तो हम लोग उस सेट को आपको क्यों बेचेंगे, आप लोग तो ले जाके दिक्कत में पड़ जाएगा ना। तो इसलिए हम उस सेट का जो ओरिजिनल डिस्प्ले है उसको हम लोग बेच देते हैं। हम लोग रिपेयरिंग करते हैं, हम लोगों के साथ बहुत सारे शॉप वाले के साथ कांटेक्ट में है, तो उस सेट को हम लोग कटिंग करके बेच देते हैं क्योंकि फ्लिपकार्ट तो हर एक सेट जो है वो मतलब अच्छे सेट नहीं बेचता है, कभी कभी एक दो सेट बाहर आ जाती है दिक्कत वाला,
अगर आप लोगों के पास प्रॉब्लम जाएगा तो हम लोग उसको गारंटी के साथ रिटर्न करेंगे, अगर सेट आपका पसंद नहीं आएगा तो पैसा भी रिटर्न दे देंगे। लेकिन हम लोग जो सेट आप लोगों को दिखाते हैं वो सेट के अंदर 100 से भी ज़्यादा टेस्ट होता है, उसके बाद आप लोगों को सेट को प्रोवाइड किया जाता है। और रही बात कॉपी डिस्प्ले की, हाँ बहुत सारे सेट ऐसे होता है कि मदरबोर्ड ओके होता है, सेट सारा कुछ ओके रहता है लेकिन उसका डिस्प्ले कॉपी रहता है, तो वो भी हम लोग आप लोगों को बोल कर ही, हम लोगों को कहकर उस सेट को आपको प्रोवाइड करेंगे। तो उसका प्राइस भी उस तरह से डाउन रहेगा, मान लीजिए 20,000 का फ़ोन है वो आपको 4,000-5,000 में आपको मिल जाएगा, 30,000 का मोबाइल है आपको 5,000-6,000-7,000 में आपको मिल जाएगा, अगर कॉपी डिस्प्ले रहेगा, वारंटी के साथ रहेगा मदरबोर्ड का, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका 30,000 का कोई मोबाइल है तो आपका ऑल ओके है, वारंटी वगैरह सब कुछ रहेगा ओरिजिनल डिस्प्ले के साथ, 20,000 का मोबाइल आपको 7,000-8,000 में मिल जाएगा। बहुत सारा स्टॉक आ चुका है, बहुत सारा जो नए नए मॉडल है वो आ चुकी है, ऑफ़र भी बहुत ज़्यादा है। दिवाली के बाद ये वीडियो हो रहा है और हम लोगों का जो सिस्टम है, हम लोग कोशिश करते हैं कस्टमर को, जितने भी जो भी हम लोगों से फ़ोन परचेज करता है, हम लोग कोशिश करते हैं सेट को अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाए लेने के बाद 6 मंथ के अंदर, तो हम लोग फुल्ली कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। हम लोग वीडियो में सारा कुछ खोल के आप लोगों को बता देते हैं। अगर आप लोगों के देखिए फ़ोन तो परचेस कर लिया, मान लीजिए आपका फ़ोन हाथ से गिर जाने के बाद डिस्प्ले टूट गया है, तो आप लोग ले आइए, सिर्फ आपको डिस्प्ले का चार्ज देना पड़ेगा, लगाने का जो चार्ज होता है उसका कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ आपको डिस्प्ले का पैसा देना पड़ेगा, लगाना जो उसका सर्विस चार्ज है वो हम लोग नहीं लेंगे, टोटली फ्री होगा। अगर सेट ले गया है उसके अंदर मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आ जाता है, नेटवर्क नहीं आता है, वो हम लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए, हम लोग टोटली उसको रिपेयर करके देंगे। अगर रिपेयरिंग नहीं होता तो बोर्ड चेंज करके देंगे, बोर्ड नहीं मिलेगा तो सेट ही आपका ले लेंगे और पैसा आपको रिटर्न दे देंगे। अगर हो सके तो आप लोग और कोई मॉडल में जा सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो हम लोग फुल डिटेल्स के साथ आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर कर दिया है। फ्लिपकार्ट हर एक मोबाइल ओके नहीं आता है, बहुत सारा मोबाइल के अंदर ग्लास ब्रोकन, डिस्प्ले ब्रोकन आता है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे मोबाइल आते हैं, जो अच्छे वाला मोबाइल है वो हम लोग आप लोगों के बेचते हैं, जो प्रॉब्लम वाला है वो हम लोग कटिंग करके शॉप वाले को बेच देते हैं। तो आप लोगों का कोई टेंशन नहीं लेना है, वारंटी मिलेगा, फ़ोन मिलेगा, चार्जर मिलेगा, मिलेगा ग्लास मिलेगा, बिल मिलेगा, और कभी कभी तो आपको नेकबैंड भी मिल जाएगा। तो आप लोग मेरे बात को एग्री करेंगे तो नमस्कार, और आइए शॉप पर आइए, विजिट करिए, बहुत सारा स्टॉक आया है, 700-800 पीस का मोबाइल आया है, बहुत सारा नए नए मॉडल है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।